देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको जयपुर से बताते चलें कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज कई जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं और ये दौरा ईआरसीपी को लेकर बेहद ही अहम बताई जा रही है। ईआरसीपी पर आभार सभाएं करेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। 11 बजे इस क्रम में धौलपुर के बाड़ी में पहुंचेंगे, उसके बाद 12 बजे करौली पहुंचेंगे, फिर 1 बजे गंगापुर सिटी और उसके बाद 2 बजे सवाई माधोपुर के भारती मोड़ पर आज ईआरसीपी को लेकर यह आम सभा को संबोधित की जाएगी। 3 बजे लालसोट और 4 बजे निवाई, फिर 5 बजे चाकसू से करेंगे सभा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री साथ में रहेंगे मौजूद। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि 2 दिवसीय यह कार्यक्रम ईआरसीपी को लेकर प्रस्तावित था 24 और 25 फरवरी, और इस क्रम में आगे बढ़ते हुए आज दूसरा दिन है जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ईआरसीपी को लेकर 9 जिलों को सीधे प्रभावित, हालांकि ईआरसीपी 13 जिलों को प्रभावित कर रही है, लेकिन ये जो 2 दिन का दौरा है इसमें 9 जिलों को टारगेट किया गया है। घर घर जाकर और आम रास्ते के जरिए इस कार्यक्रम को तय किया गया है ताकि ईआरसीपी को लेकर लोगों को पता चल पाए कि क्या उसके फायदे हैं। और ईआरसीपी को लेकर एक बड़ा मुद्दा बीजेपी इस बार लोकसभा के जरिए बनाना चाह रही है और इस पर ही इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने की कवायद तेज की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज कई दिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रहने वाले हैं। आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर वो तमाम जगह दिख रही होगी और कार्यक्रम भी समय वाइज डिसाइड किया गया है। 3 बजे कहां पे जाएंगे, 2 बजे कहां जाएंगे, 1 बजे कहां जाएंगे, 4 बजे और फिर 5 बजे चाकसू में आम सभा को संबोधित करने के बाद कार्यक्रम यहां पर ठहराव होगा ईआरसीपी को लेकर, जो 2 दिन का कार्यक्रम है जो सीधे 9 जिलों को टारगेट कर रहा है। उसके बाद शाम को ही दिल्ली के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। और साथ ही आपको ये भी बताते चले, जैसे ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस जहां पर कटाक्ष तंज कस रही है, वहीं ईआरसीपी को लेकर बीजेपी बिल्कुल एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इस खबर पर हमारे संवाददाता हरिवीर जुड़े हुए हैं। हरिवीर, 2 दिन का दौरा ईआरसीपी को लेकर आज क्या कार्यक्रम है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा, उनका 2 दिन का धौलपुर में जो दौरा था, लेकिन किसी कारणवश वो कल उनका जो दौरा था वो रद्द हो गया था, कैंसिल हो गया था। तो आज जो मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा वो दिल्ली से सीधे धौलपुर आएंगे और धौलपुर आने के बाद में जो बाड़ी कस्बा है वहां पर जो ईआरपीसी की जो धन्यवाद सभा है उसको संबोधित करेंगे। उसको संबोधित करने के बाद में मुख्यमंत्री करौल के लिए रवाना होंगे और बाड़ी में जो जनसभा है उसको संबोधित करेंगे और उनके साथ में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत है वो भी मौजूद रहेंगे। और वो गजेंद्र सिंह शेखावत कल धौलपुर आ चुके हैं और उन्होंने शेपों में जनसभा जो धनबाद सभा है उसको संबोधित किया। उसके बाद में शाम 7 बजे के लगभग धौलपुर में भी जनसभा को संबोधित किया है मुख्यमंत्री सीधे। बहुत बहुत शुक्रिया हरिवीर तमाम जानकारी देने के लिए। तो ईआरसीपी को लेकर आज दूसरा दौर है धौलपुर में। कल कार्यक्रम प्रस्तावित था मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का, लेकिन धौलपुर में प्रोग्राम कल किसी वजह से कैंसिल हो गया था और आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ईआरसीपी को लेकर बड़ी आम सभा को संबोधित करेंगे। और अब खबर